أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون आयत नंबर इक्कीस इनदीना बेशक वो लोग यक फुरूना जो कुफर करते हैं बि आयात ही अल्लाह की आयात के साथ बा के नीचे जब जेर आती है उसका मतलब साथ होता है वैसे तो अरबी जुबान में मा आ, मीम और आइन का मतलब साथ होता है लेकिन बाघ के नीचे जब जेर आ जाए तो इसका मतलब भी साथ होता है जैसे बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ वयक्तुलून यकून और वो कत्ल करते हैं अंबिया को बैर हक ना हक लदीन और कत्ल कर देते हैं उन लोगों को यूना जो कहते हैं बिलकिस्ती इंसाफ के साथ मिनसी लोगों के साथ जो लोगों के साथ आदलो इंसाफ की बात करने का कहते हैं उन्हें भी कत्ल कर देते हैं तो ऐसे काफिरों के लिए फबश बस उनको खुशखबरी दे दीजिए अलीम, दर्दनाक आजाब की जाहिर है कि आजाब की तो खुशखबरी नहीं होती ये तंज़िया अंदाजे बयान है मतलब यह है कि अपने जिन करतूतों पर वो आज बहुत खुश हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत खूब काम कर रहे हैं उन्हें बता दो कि तुम्हारे इन आमाल का अंजाम वो दर्दनाक अजाब है आयत नंबर बाईस उला इकल्दीना यही वो लोग हैं हबीत ज़ाया हो गए हैं गारत हो गए हैं मालूम उनके आमाल फिर दुनिया दुनिया में वल खीरौती और आखिरत में वो मालहुम और नहीं होगा उनके लिए मनासरीन कोई भी मदद करने वाला यानी उन्होंने अपनी कुतें और कोशिशें ऐसे रास्ते में लगाई है जिनका बिल आखिर नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया में भी वो ख़राब होंगे और आखिरत में भी वो अजाब से दो चार होंगे यानी कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनकी इस गलत कोशिश और अमल को सफल बना सके या कम अज कम बद अंजामी से ही बचा सके जिन जिन कुतों और ताकतों पर वो भरोसा रखते हैं कि वो दुनिया में या आखिरत में या दोनों जगह उनके काम आएंगी उनमें से फिल वाक कोई भी उनकी मददगार साबित नहीं होगी वहां सिर्फ अल्लाह की हकूमत होगी लिमाकुल यूम लावा दिल कोई चीज काम नहीं आएगी कोई सिफारिश कोई लालच कोई प्रॉपर्टी कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय साले आमाल के नेक आमाल के आयत नंबर तेईस अलम तारो क्या आपने नहीं देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलना उन लोगों की तरफ ऊ तू जिन्हें दिया गया नसीबन एक हिस्सा मिनल किताबी किताब का युद्ध आउना वो बुलाए जाते हैं इला किताब अल्लाह की किताब की तरफ क्यों लिया बी नूम ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे सुम्मा फिर यूम मोड़ जाते हैं फरीकुन एक जमात या एक ग्रोह मिन हम उनमें से वह मोरिजून और वो असल में मुंह फेरने वाले ही हैं यानी उनसे कहा जाता है कि खुदाई किताब को आखिरी सनद मान लो जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है उसे हक मान लो उसके फैसले के आगे सर झुका दो और जो कुछ उसकी रूह से हक साबित हो उसे हक और जो उसकी रूह से बातिल साबित हो उसे बातिल तस्लीम कर लो वाज रहे कि इस मकाम पर अल्लाह की किताब से मुराद तोरात और इंजील है और किताब के इल में से कुछ हिस्सा पाने वालों से मुराद यहूद नसारा के उलमा है यानी यहूद और नसारा के अलमा क्या करते थे कि उस किताब के जो अल्लाह की आसमानी किताब थी इंजील और तौरात उसमें वो अपनी मर्जी के अहकाम निकाल लेते थे जो उनकी ख्वाहिशा के ताबे होते थे और बाकी अमाल को वो छुपा लेते थे बाकी अहकाम का जिक्र ही नहीं करते

जन्नत में जाएंगे हम जहनों में कभी भी नहीं जाएंगे हम जो मर्जी करते रहे हम अल्लाह के चहेते हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और वो कहते हैं कुरान हकीम में पहले पारे में आता है कि नहीं यद खुल नसारा वो कहते हैं जन्नत में यहूद और निसारा के अलावा कोई और दाखिल ही नहीं होगा अगर हमें किसी न वजह से खुदा न खास्ता में अजाब हो गया तो हम जानों में हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे बल्कि चंद दिन बस वगर्रह उनको धोखे में डाल रखा है फी हिम उनके दीन ने माँ का उनकी इसी तरह की घड़ी हुई बातों उसने यानी ये लोग अपने आप को खुदा का चहेता समझ बैठे हैं ये इस ख्याल खाम में मुबतला है कि हम खा कुछ भी करें बहरहाल जन्नत के हम ही हकदार हैं हम अहले ईमान हैं हम फलां के औलाद और फलां की उम्मत और फलां के मुरीद और फलां के दामन गिरफ्त हैं भला दोजक की क्या मजाल कि हमें छू जाए और बिलफर्ज अगर हम दोजक में डाले भी गए तो बस चंद रोज़ वहां रखे जाएंगे ताकि गुनाहों की जो आलायश लग गई है वो साफ हो जाए फिर सीधे जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे इसी किस्म के ख्याल ने उनको इतना बहादुर जर्र बेबाक बना दिया है कि वो सख्त से सख्त जराइम का इरतक कर जाते हैं बदतरीन गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं खुल्लम खुल्ला हक से इनहिराफ करते हैं और ज़रा खुदा का खौफ उनके दिल में नहीं आता आयत नंबर पच्चीस फ़ैईफ बस क्या हाल होगा ईजा जमा ना हम जब हम उनको जमा करेंगे लियो मीन उस दिन ला जिसमें कोई शक नहीं है वफियत और पूरा पूरा दिया जाएगा कुल्लु नफसिन हर शख्स को मा कसब जो भी उसने कमाया ला और उन पर जरा भर भी जुल्म नहीं किया जाएगा यानी उस दिन क्या हाल होगा जब अल्लाह ताला सब लोगों को वहां जमा करेगा कयामत के दिन और उनको उनके आमाल के मुताबिक बदला देगा जो भी उसने किया होगा अच्छा काम किया होगा तो अच्छा बदला मिलेगा बुराई की होगी तो बुरा मिलेगा किसी शख्स के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा तो आखिर दावाना रब्बिल अब